स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। भ्रष्टाचार की डिमक बनकर विभाग में मलाई चाट रहे अधिकारियों पर अब एसई करेंगे अपने हंटर से वार। पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में गोलमाल अब नहीं चलेगा। समाचार एक्सप्रेस ने विभाग की जड़ों को खोखला कर रही भ्रष्टाचार की पोल खोली तो एसई सत्यपाल सरोहा एक्शन में आ गए। फिर क्या था, दनादन फोन गूंजे, रोबदार आवाज से एक्शन राजकुमार मैन को नसीहत दी, आपकी साइट पर चल क्या रहा है, फौरन इसके दस्तावेज लेकर हाजिर हो, मैं खुद साइट पर जाकर जांच करूंगा। दो टुक कहा कि घटिया काम की पेमेंट किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, ठेकेदार टेंडर के अनुसार काम करे नहीं तो कार्यवाही करेंगे। ऐसे सत्यपाल ने एक्शन से भी साफ लहजे में कहा कि आपने इस काम के बिल पास किए तो चार्जशीट कर दूंगा। यानी भ्रष्टाचार की डिमक बनकर विभाग में मलाई चाट रहे अधिकारियों पर ऐसे सत्यपाल सरोहा सख्त कार्यवाही के मूड में है। मतलब साफ है कि ठेकेदारों को टेंडर के अनुसार ही काम करना होगा। जिस मटेरियल को एस्टीमेट में शामिल किया गया है वही साइट पर लगेगा, जो ऐसा नहीं करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। दोपहर बाद एसआई ने आरटीओ विभाग के सामने डाले जा रहे फर्श की खुद जाकर जांच भी की। बता दें कि आरटीओ ऑफिस के सामने खाली जगह पर पीडब्ल्यूडी की P2 शाखा की देखरेख में पीसीसी यानी बेड फ्लोरिंग करवाई जा रही है। आम भाषा में कहे तो कंक्रीट का फर्श डालकर इसे पक्का किया जा रहा है। इस पीसीसी में ना तो सीमेंट सही लगाया जा रहा था और ना ही सरिया। इसकी पोल समाचार एक्सप्रेस ने रविवार को खोली थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। पीडब्ल्यूडी आचार संहिता से पहले कई बड़े टेंडर लगाने जा रहा है। एसई के अनुसार इसमें पश्चिमी बाईपास फेज 2 भी शामिल है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े कार्य हैं जिससे जिले के लोगों को सीधा लाभ होगा। फिलहाल पूरा डिपार्टमेंट इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। सत्यपाल सुरोहा जी, जिन्होंने फिलहाल ही करनाल में एसी का चार्ज संभाला है, स्वागत है सर आपका करनाल में। थैंक यू जी। बताएंगे थोड़ा सा, क्या आचार संहिता की बातें हो रही है, अभी आचार संहिता लगने वाली है, अभी तो 12-13 तारीख को संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेके क्या तैयारियां हैं सर अपने लिए? सर वो तो आचार संहिता तो इलेक्शन कमीशन ने जैसे भी गवर्नमेंट चाहे इलेक्शन होने ड्यू हैं उनके अनुसार ही लगेंगे। तो वो तो हम नहीं कह सकते 12 को लगती है क्या, हम एज पर रूल जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ रही है सीएम अनाउंसमेंट्स की टॉप प्रायोरिटी रहती है और जो दूसरी भी उनको प्रायोरिटी है जी। तो फटाफट उनके जैसी बात उनके डिटेल एस्टिमेट DNIT अप्रूव करा के कंपिटेंट अथॉरिटी से, चाहे वो हेड ऑफिस चंडीगढ़ हो या मेरे लेवल पर हो या एक्शन साहब के लेवल पर हो, उनको हम अप्रूव करके टेंडर लगा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, जो काम 10 दिन या महीने बाद हो तो प्रायोरिटी पर हो जाए। जी जी, मैंने तो ये अभी कोई भी फाइल रुके ना, मेरी ये मनसा है कि एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पे हूँ ऐसा नहीं होगा। मेरा पुराना भी ये रहा वसूल की किसी कागज़ को अननेसेसरी डिले नहीं करना, और किसी कोई कमी है तो कंसर्न पर्सन से मोबाइल पे एक्शन साहब से या कोई ठेक कॉन्ट्रैक्टर है या कोई असिस्टेंट है या सुपरिटेंडेंट जो है उनको बुला कर पर्सनली प्रायोरिटी पे निपटाने की इच्छा रहती है। ये सरकार की कोई हमारे वजह से या PWD डिपार्टमेंट की हमारी वजह से हमारे राव नरवीर जी मंत्री जी कोई इमेज हमारी ख़राब ना हो किसी की वजह से, हमारी वजह से। जी सर बिल्कुल। सर कोई ऐसा टेंडर इसमें में जो करनाल के लिए बड़ी सौगात हो जो हाल फिलहाल लगा, कोई आप जिसका जिक्र करना चाहें? अभी तो सारे टेंडर जो हैं क्रोशे अपने यहाँ करनाल के लिए अच्छे हैं, इनसे बड़ा अच्छा होगा। अभी बाईपास बनेगा और नया आगे जो है ना फर्दर जो भी पहले कनाल के साथ फेज 2 की अप्रूवल आ चुकी है जी। कुछ केस हमारे फॉरेस्ट की वजह से अभी जो है ना थोड़ा सा स्लो है, मतलब जी वो हमारी तरफ से पूरे उनकी डिटेल एस्टिमेट वगैरह बना लिए, क्योंकि जब तक वो पेड़ नहीं कटेंगे या इलेक्ट्रिक पोल ना हटेंगे तब तो थोड़ा हाँ काम करने में एजेंसी को दिक्कत रहती है जी। कोई ऐसा बड़ा सर जिसका जिक्र करना चाहिए, जिस तरह फेज 2 आपने कहा कितने करोड़ अभी एग्जैक्ट तो फिगर में चलो सर एग्जैक्ट मेरे पास इस टाइम फिगर नहीं डियर जी। कोई और सर कोई बड़ी कोई ऐसी चीज़ जो जिसे सुनकर कनाल के लोग खुश हों या कोई काम अभी थोड़ा ही ज्वाइन अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, पर बहुत ज़्यादा ऐसे टेंडर हम या तो अलॉट करने जा रहे हैं या अलॉट हो चुके हैं जिन पे काम अभी शुरू हो जाएगा। अभी आचार संहिता से पहले बहुत काम हमारे शुरू हो रहे हैं जी सर, उनकी लिस्ट इस टाइम मेरे पास बाई नहीं टेबल पे। सर एक जिस तरह कल आया था ये RDO ऑफिस के सामने बिल्कुल PPC डल रही है सर, मैं उसके लिए एक्शन साहब से पूछूंगा कौन सा काम है आप बताना जरा। ये RTO ऑफिस के सामने सर PPC डल रही है, काफ़ी बड़ी स्लैब है, काफ़ी ग्राउंड अगर हमारे एग्रीमेंट में वो पढ़ना पड़ेगा उसमें कौन सी सीमेंट है,
और पीपीसी जो है स्टील जो सरिया स्लैब डालते हैं उसमें हम यूज नहीं करते, हमारी जर्नली इंस्ट्रक्शन ये हैं। ओपीसी डालते हैं 43 ग्रेड की। हाँ वहाँ पीपीसी लग रहा है, अगर वो लग रहा है, वो अगर ऐसा लग रहा है और एग्रीमेंट में नहीं है तो उसकी कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। आज आपने नोटिस डाला, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे को बताया। ये एक हमारे सभी के हित की बात है और ये पैसा आप लोग सारी जनता का ही पैसा है, ना कि किसी पीडब्ल्यूडी का या किसी और का है। बिल्कुल, मैं पता क्या जी साहब से पूछते हैं थोड़ा सा, वो एक कौन से जी साहब है जी, अपने रविंदर जी हैं जी, थोड़ा सा बातों को अगर मैं कर दें सर। नहीं नहीं आप कोई ना, रविंदर से मैं बुला के पूछता हूँ कैसे हो रहे हैं, कौन से एक्शन है। नैन साहब, मैं नैन साहब अभी गए मेरे पास से। नैन साहब बिल्कुल बिल्कुल सही बताते हैं, कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा पहले तो आप भी आप प्रेस से हैं कि नहीं है पहले आप, मैं कह आप देख लीजिए कोई बात नहीं। ऐसे हर एक आदमी की अपनी सोच होती है जी, 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 कोई आपको ऐसे वही तो उनके पार्ट में नहीं नहीं नहीं, अगर आपको गलत बोला किसी ने मेरे बंदे ने तो उनको मैं आगे से समझा भी दूंगा हिंदी में अच्छी तरह से, भैया किसी को रिगार्ड दो रिगार्ड लो, बिल्कुल उसको भी नहीं गलत बोलेगा कोई, मतलब मेरी ये इच्छा है। इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं उनकी चेकिंग में आपकी क्या प्राथमिकता रहती है, किस दौरान आप हमारे, हम भी मेरे एसटीओ क्वालिटी कंट्रोल एक्शन क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ बैठते हैं, वो भी करते हैं, मैं खुद जाके अभी लिस्ट मंगवाई हूँ उनसे कि भाई कौन कौन से हमारे काम ऑनगोइंग में है ताकि उनको चेक किया जाए, अगर कोई डिफॉल्ट पाया गया कहीं तो उनको हम बख्शेंगे नहीं किसी गलत काम करने वाले को, और पेमेंट तो होगी नहीं किसी की, और वो उसको ठीक करके ही पेमेंट की जाएगी। नहीं रहा ठीक है हमारे पीडब्ल्यूडी में, हमारी पीडब्ल्यूडी में ब्रांड लिखा होता है एग्रीमेंट में कि आपने टाटा यूज करना है, आरआईएल करना है, आरएल करना है, जिंदल करना है, और एक अपना वो है एक नया वो एचएसआर में है सर जो हमारे हैं, जो मैं एससी अंबाला था और बाई दी जो कमेटी जिस तरह के जो केस अप्रूव होते हैं मैं उसमें मैं भी रहा, मतलब जोनल कमेटी का मैं चेयरमैन था, तो इसलिए मेरी नोटिस पर मैं हाई कहीं एक बड़े स्तर का सर मान लें हम क्योंकि मान लो क्योंकि सीएम सिटी है सर, ऐसा नहीं होगा, अगर है तो उसको आप खुद ऑब्जर्व करोगे उसको तोड़ा जाएगा वो, और ना राठी स्टील यूज किया जाएगा, अलाउड ही नहीं हमें, और मैं उनकी उनके कागज देख लेता हूँ बुलवा के कि कौन सा काम मैं ऐसा क्यों किया, और हुआ तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा जी सर, डिसिप्लिन एक्शन, कोई भाईचारा नहीं इसमें, कोई वो नहीं है, कोई नरमाई नहीं है, और माननीय सीएम साहब और हमारे राव नरवीर जी तो क्वालिटी के लिए और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप जैसे अफसर अगर होंगे तो एक्शन भी होगा, आप बिल्कुल होगा, आप खुद आपको मैं खुद लेटर दूंगा, ये हमने लेटर लिख दिया, ये इसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं, ठेकेदार के अगेंस्ट भी कार्रवाई करूँ, उसे जो किया ना उसकी पेमेंट करने की, पेमेंट तो अल्टीमेटली एक्शन पास करता है मेरे से जाती है, मैं उसके नहीं इशू करूँगा, ऊपर भेजूंगा नहीं, इशू तो ऊपर से होनी है। मैं अगर ये कहूँ कि 20% सिर्फ काम बचा है उसका, 80% हो गया तो यानी कि जेई को तो पता ही था सर, पता होना चाहिए क्योंकि वो तो उसकी जिम्मेवारी है, जिस ओनली पर्सन जो है पहला पर्सन वो है जिसकी प्रेजेंस में काम होता है, उसके बाद एसडीओ साहब की जिम्मेवारी है, एक्शन की है, हमारी भी बनती है, हर एक ऑफिसर की अपने अपने लेवल पे जिम्मेवारी है, बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि ऐसे आपने अब नोटिस दिया उसको मैं मौके पे देखूंगा अभी और आज ही देखूंगा, कल की लीव नहीं, आज ही देखूंगा, इसी थोड़ी देर में लंच के बाद जैसे भी एक्शन साहब को बुलवा के एग्रीमेंट पढ़ता हूँ क्या लिखा है, कहाँ क्या किस पार्ट पे गलती हुई है और किसने की है, जिसने भी किया है ठेकेदार ने, तो उसके पेमेंट तो होने ही नहीं मिलो, और जेई अगर आप जेई इन्वॉल्व है या कोई मेरा एसडीओ इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। माफी चाहूंगा सर, एक मामला और था जी खोपनी, हर कोई पर्सनली का एसडीओ साहब को कहा एक्शन को, और वो एसडीओ साहब गए उस दिन मिस्टर गौरव गुजर हैं, हाँ जी उनको मैंने भेजा भी, और उस ठेकेदार को भी कहा, मैंने उसको बुलाया भी आज उसको, वो है नहीं वो अपने डंडा वाला भाई जो था जो जिसका काम अलोर है खोखनी वाला, उसने 60% बाउंड्री तो कम्प्लीट कर दिया है, पिल्ली इनते हैं वो जेई साहब, उसकी मैं चेकिंग करवा देता हूँ, हाँ जेई सैंपल करवा देते हैं, जेई साहब ने वो रिजेक्ट कर दी थी सर जाके, लेकिन वो फिर भी लोग ऐसे उसकी सैंपलिंग करवा, बिल तो यही आएगा, बिल खुपनी का बिल आज मेरे को बताना जी, इनको थोड़ी देर बैठाओ, थैंक यू सर, आगे चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।